हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं बैड विलेजर की एक अनदर वीडियो, द मेल वर्जन ऑफ रानू मंडल फीट बाबा का ढाबा। ओके, तो मतलब यार देखो, बैड विलेजर की ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं, ठीक है, जो मेरी पर्सनल फेवरेट्स हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से मैं इनका चैनल देख रही हूँ, ठीक है, और रिएक्ट तो मैंने काफ़ी बाद में करना शुरू किया, ठीक है, लेकिन इनके वीडियोस में लॉजिक एंड रोस्ट भरपूर मिलता है, ठीक है, जेन्युइन रोस्ट, ना किसी का पर्सनल हेट, ना किसी चीज़ को फालतू में क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे भाई, एक तो रानू मंडल जी हमारी निकली थी, हैं, उनको एक गाना क्या गवाया, गाना भी नहीं गाया भैया, बस हिमेश रेशमिया के गाने में वो बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही थी आ करके, ठीक है, और तब वो इतनी ज़्यादा एटीट्यूड में आ गई कि मीडिया वालों को एटीट्यूड दिखाना, लोगों को एटीट्यूड दिखाना, इस टाइप से उनका कुछ ऐसा हो गया था, ठीक है, अटायर कुछ ऐसा। और अब देखते हैं कि भाई मेल वर्जन, ये जो बाबा का ढाबा वाला फेमस हुआ था ना, वो बाबा जी, तो चलो यार देखते हैं कि बैड विलेजर ने किस टाइप से रोस्ट किया था, और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या हाल है आप सबका? तो यार तुम लोगों ने रानू मंडल का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, वही औरत जो अपने मुंह से गधे और कुत्ते की आवाज निकाल लेती है। मजा आया। तो एक साल पहले की बात है, किसी ने इस मैडम की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद हमारी मैडम एक ही रात में रेलवे पटरी से कतई 5-star होटल पहुंच जाती है। फिर इस बहती हुई ट्रेंड की गटर में अपने पिताजी की पतलून पहनकर डुबकी लगाने आते हैं हमारे हिमेश रेशमिया, जो रानू दीदी के साथ मिलकर अपना एक ऑफिशियल गाना लॉन्च कर देते हैं। अबे यार, ये असली वाला गाना किसने चला दिया? हाथ तो डुप्लीकेट चलाने की हुई थी। इतना भयंकर वायरल हुआ था ना, साला मुन्नी के कोठे से लेकर शीला की जवानी तक हर जगह बस यही गाना बज रहा था। इवन मेरा कुत्ता भी भौंकना छोड़कर आ करने लगा था। तो कुछ ही दिनों में एक सेलिब्रिटी टट्टी वाली मुकाम हासिल कर लेने के बाद उनके अंदर भी वही आ जाता है जो इंडिया की 70% सस्ते सेलिब्रिटी टट्टीज के अंदर भर भर के पाया जाता है। मतलब हमारे रानू दीदी के अंदर भी एटीट्यूड आ जाता है, और इस एटीट्यूड का जहर दीदी के अंदर इतना ज्यादा फैल जाता है, जो कल तक रेलवे स्टेशन में लोगों के धक्के खाकर गुजारा कर रही थी, वो आज किसी फैन द्वारा छुए जाने पर ऑफेंड हो रही थी। ऐसे एटीट्यूड वाले वो लोग होते हैं जो जेब में 32 रुपए दबाकर अपने आप को मुकेश से सीधा मुकेश अंबानी समझने लगते हैं। सही पकड़े हैं। और तो और, रेलवे स्टेशन में जिन लोगों के साथ ये अपने जिंदगी का 10 साल बिता चुकी थी, उन अजीज दोस्तों के लिए क्या प्यारे बोल बोले थे हमारे रानू दीदी ने। हम उनकी उधर गाय माता है उकुन फुकुन सब जिन माता ना ढूके, पर मैंने उधर उधर थी कि हमारे कोनो डिजीज ना शुरू हो जाए, उधर छुआ लेके हमारे कोनो रोग ना हो, ये सब थी कि हम सब अलग था। यहाँ पर कवि रानू मंडल हम सबसे ये कहना चाहती है, वे रेलवे स्टेशन में रहते जरूर थे, लेकिन स्टेशन में रहने वाले बाकी लोगों से दूर रहा करते थे ताकि इनको इनसे कोई बीमारी ना हो जाए। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। अब एक बार ध्यान से देखो इसे, कोई बीमारी भी इसके अंदर घुसने से पहले 10 बार ये सोचते हैं, जो इसके अंदर घुसने के बाद कहीं मैं खुद बीमार ना हो जाऊं। और मुंह पे ठंडी स्त्री फेंक के मारने वाली बात तो ये है कि दीदी को ये पहले से पता था कि कोई भड़वा आएगा एंड इनकी MMS बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा, और एक ही रात में हमारी रानू दीदी जस्टिन बीरबल से जस्टिन बीबर बन जाएंगी, डिजिटल इंडिया बनाएंगे की मां के जदों। इसीलिए तो ये स्टेशन में रहने वाले बाकी लोगों से दूर रहा करती थी, क्योंकि इसने अपना फ्यूचर दूरदर्शन टीवी चैनल में 10 साल पहले ही देख चुकी थी। देखो, टाइम मशीन वाली बकचोदी मैंने बस हॉलीवुड की फिल्मों में सुना था, लेकिन वो मशीन सच में एग्जिस्ट करता है, और इस पूरे धरती में उसका वन एंड ओनली मालिक है हमारी साइंटिस्ट भालू मंडल, मेरा मतलब की रानू मंडल। ये बवासीर से भरा टेक्नोलॉजी हमारे देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। कला है तो जेमन भिखारी देर कोनो खावार दी छे भिखारी गुलो के सही हिसाबे आम जेओ तो आमी सेखाने बुझ थाकतम माने तादेर संगे तो आमाके तुलना कराटा उचित ना, सेरा सेटा ओरा जानतो ना, सेटा आमी निजेके निजे जानतम, तादेर संगे तो आमाके तुलना कराटा उचित ना। वाह क्या बोला है दीदी ने, भीख मांगकर भी खाती थी और स्टेशन में रहती भी थी, लेकिन दीदी के हिसाब से इनको उन बाकी लोगों से कंपेयर करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये भीख तो मांगती थी लेकिन थोड़ा डिजिटल तरीकों से। मिस्टर चौदुमल, थैंक यू सो मच फॉर योर 20 रुपीज सुपर चैट। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि पैसा इंसान को क्या से क्या बना देता है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो।
रंग बहुत बुरे लग रहे। तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। ऊपर से इनको तो ये पहले से पता था कि आगे चलकर ये एक सेलिब्रिटी टट्टी बनने वाली है, तो थोड़ा बहुत एटीट्यूड दिखाना तो बनता है। क्यों सही कहा ना रानू दीदी? सुनाई नहीं दे रहा। इनकी इन्हीं सारी हरकतों को देख करके मैं इस बात पर पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका था कि इससे ज्यादा रंग बदलू इंसान इस पूरे ब्रह्मांड में कोई और पैदा ही नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस मैं गलत था, क्योंकि इंडियन इंटरनेट की भसड़ में एक ऐसे महान व्यक्ति ने अपना चरण स्पर्श कर लिया है जिसने एटीट्यूड के मामले में हमारे रानू दीदी को भी 3 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया और ह्यूमैनिटी की तो कतई मियां खलीफा जैसा हाल कर दिया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो कहानी शुरू होता है दिल्ली के एक ढाबे से, जिसे तो अधेड़ उम्र के बुड्ढा एंड बुड्ढी चलाते हैं, और एक यूट्यूबर है गौरव हसन नाम से, जिसे तुम सस्ता वर्जन ऑफ एक्टर वरुण फुद्दी भी कह सकते हो। तो हमारे ये सस्ते वरुण फुद्दी इस ढाबे की वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल स्वाद ऑफिशियल और अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर देते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ने भेजा है इस भोसड़ी वाले को इनकी मदद करने के लिए। हेल्प करिए अंकल, रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है, भेज दिया उसने मेरे को आपके लिए, भेज दिया उसने मेरे को आपके लिए। मस्त जोक मारा। टोटल आपको 400 रुपए का पड़ गया। ये लो अंकल, देखो हरामी को भगवान ने भेजा है बोलकर बस 400 रुपए थमा रहा है, और अगले ने भी 400 रुपए हजम करके रत्ती भर का भी रिएक्शन नहीं दिया, ना धन्यवाद ना थैंक यू ना लोड़ा ना लहसुन कुछ भी नहीं। वैसे भगवान ने भेजा है बोलकर बस 400 रुपए थमाओगे तो सामने वाला इससे बेहतर रिएक्शन और दे भी कैसे सकता है। सही पकड़े हैं। तो पतीले के अंदर मटर पनीर उबलता हुआ देखकर हमारी जनता जनार्दन इतना ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि वो इस वीडियो को किसी महामारी की तरह पूरे देश भर में फैला देते हैं। असम बाबा भोसड़ी वाले की कोरोना भी हमारे देश में इस रफ्तार में नहीं फैला होगा जिस रफ्तार में ये वीडियो फैला था। धिक्कार है हम पर। और ये वीडियो बस वायरल ही नहीं होता, साला कतई नेशनल न्यूज ही बन जाता है। बाबा के ढाबे। और जिस दुकान में पहले बस 70 रुपए तक बिक्री होता था, उसी दुकान में अब 10 से 15 हजार तक बिक्री होने लगा, एंड बैंक अकाउंट में तो कतई पैसों का सैलाब भी आ गया। मतलब हमारे बाबा जी 2 दिन के अंदर बिना किसी टैलेंट के रोडपति से लखपति बन जाते हैं सिर्फ अपने गरीबी की कहानियां सुनाकर। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब सवाल ये आता है कि अपना एक पर्सनल ढाबा होने के बावजूद भी आखिर हमारे बाबा जी इतने गरीब क्यों थे? क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो एक ढाबा चलाने वाला व्यक्ति कभी भी इतना गरीब नहीं हो सकता कि उसके घर में खाने के ही वांदे हो। तो हमारे इस सवाल का जवाब बाबा जी की खुद की बेटी और उनके आस पड़ोस के लोगों ने बिल्कुल सही तरीके से दिया है। शराब पी के मुझे बोलना मत, लड़ना मत, नहीं तो मैं तो मां रुक नहीं पाऊंगा। बेटे मतलब शराब पीते हैं जो मतलब आपके बेटे नहीं पीते, हमारे पापा पीते हैं। हम आते नहीं इनके ढाबे पे खाने के लिए इनकी गंदगी की वजह से, इतना गंदा रहता है ये, हम खुद नहीं आते, हम खुद देखते हैं यहाँ पे, खुद दारू पी के वो गंदी हरकतें करता है, तंबाकू खा के हाथ नहीं धोता है, आटे मलने लग जाता है, हम लोग यहाँ खाते नहीं। अब जाहिर सी बात है तुम किसी ऐसी दुकान में जाकर अपने पैसे बर्बाद करना नहीं चाहोगे जिसका मालिक 24 घंटे दारू पीकर ठुल्ला बन के बैठा रहता है और छेनी मार के अपने हाथों को भी ना धोता हो। तो बाबा के ढाबे पर जो पहले बिक्री नहीं होता था ना, उसके पीछे एक रीजन था जिसे इन जैसे डुप्लीकेट लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। वैसे सारा ध्यान पब्लिक का इमोशनली चूतिया काटने में लगाओगे तो बाकी सारे चीजों पर ध्यान कैसे दे पाओगे? फिर तुम कहते हो कि हम पैसों के लिए वीडियो नहीं बनाते। अबे पैसों के लिए वीडियो नहीं बनाते तो तुम्हारे 70% वीडियोस 8 मिनट पर जाते ही खत्म क्यों हो जाते हैं? अरे चूता समझेगा। अब देखो पैसा एक ऐसी चीज है ना जिसे अगर तुम मेहनत से कमाते हो तो ये कितना भी कम क्यों ना हो तुम्हें बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर तुम्हें ये फ्री में मिल जाए तो कितना भी ज्यादा क्यों ना हो तुम्हें कम ही लगेगा। एंड बस इसी चक्कर में हमारे दादाजी भी लटक जाते हैं, क्योंकि एक ही रात में उनके अकाउंट पर इतने सारे पैसे आ चुके थे कि बैंक वालों ने उनका अकाउंट ही फ्रीज करवा दिया, जिस वजह से दादाजी को ये लगने लगा कि उनके सारे पैसे गौरव ने चाट लिया होगा। और यही सोचकर बाबा जी गौरव के ऊपर केस भी कर देते हैं। लोग जब इससे रिलेटेड सवाल पूछने लगे तब बाबा जी का रिएक्शन कुछ ऐसा था। सर 2 मिनट आपके लेना चाहेंगे। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो मामला है आपने गौरव वसन के ऊपर अब केस कराया है और अभी आप पुलिस स्टेशन में थे, क्या बात हुई आपके अंदर? अब हमने जो उनको करवा दिया है, हैं? अब वही जो करेंगे वही करेंगे। आपने क्या रिपोर्ट क्या कही अपनी आपने क्या अंदर वैसे जो ये 20 लाख की बात आई है आपको किसने कही? अब हमने जो बताया बता दिया हमने, अब आप जा करो अंदर थाने में जाओ, पूछो उनसे जाओ। आए हाय मेरे सूखे हुए रजनीकांत, क्या इसे देख करके कोई ये कह सकता है कि ये वही बुड्ढा है जो 70 रुपए दिखाकर कैमरा के सामने रो पड़ा था? और कमाल की बात तो ये है महीने के स्टार्टिंग में ये बाबा जी कैमरा के सामने रो रहे थे और महीने के एंडिंग तक ये कैमरामैन कैमरा के सामने रो पड़ा था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये दुनिया असल में कितनी गोल है। तुम यहाँ से अपना लोड़ा फेंक के मारोगे और वो लोड़ा 360 डिग्री घूम के आकर तुम्हारे ही खानदान जोत के रख देगा। चलो केस करने तक तो ठीक था क्योंकि हो सकता है गौरव ने सच में पैसे खाए हो, लेकिन किंतु परंतु मेरे कानों के पर्दे तो तब फटे जब बाबा जी ने अपनी मेंढक जैसी मुंह से ये बकचोदी पेल दिया। सर सबसे बड़ी उसकी गलती ये है कि हमने उसे कोई मदद मांगी नहीं। अच्छा जी बिल्कुल ना, हम उसके पास गए बिल्कुल, वो खुद हमारे पास वीडियो बनाने आए।
मार चोट दी है भैया जी आप तो। ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है, लेकिन सब कुछ पा लेने के बाद अगर तुम्हारे हरकतें भी ऐसे होने लगे ना, तो वही ऊपर वाला छप्पर फाड़ के चप्पलें बरसाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और बाबा जी जैसी आपकी बोली है उस हिसाब से आपके ढाबे का नाम बाबा का ढाबा नहीं बाबा का धोखा होना चाहिए था। अब देखो इस बाबा के ढाबे वाले सीन को ना मैं काफी पहले से सपोर्ट नहीं करता था, और इसके पीछे एक रीजन भी है जिसे मैं तुम्हें एक कहानी और अपने सस्ते एडिटिंग के साथ समझाऊंगा। तो समझ लो एक बाजार है जिसका नाम है मुठलपुर बाजार, और इस बाजार में तीन सेम कैटेगरी के दुकानें हैं जिसमें थोड़े थोड़े कस्टमर सभी दुकानों में जाते हैं, किसी में तीन किसी में पांच और किसी में छह। लेकिन एक दिन कोई भड़वा अपनी 2 मेगापिक्सल की कैमरा उठाकर एक दुकानदार को ये बोलता है, ऊपर वाला आपके साथ है, भेज दिया उसने मेरे को आपके लिए। फिर उस दुकान के चारों ओर से फुटेजेस लेकर अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और लोग उस वीडियो को वायरल भी कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है शहर के सारे लोग अब इसी दुकान पर आएंगे, और इन दो दुकानों में जो कस्टमर्स आते थे वो भी अब इसी दुकान पर जाने लगेंगे, क्योंकि हम इंडियंस को पॉपुलर दीवारों में अपना सर दे मारने में अलग ही टाइप का मजा आता है, और कुछ हद से ज्यादा इमोशनल लोग इस दुकानदार को अपने बाप का पैसा ऑनलाइन डोनेट भी करेंगे। ऊपर से बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर ये अपनी दुकान की सारी चीजों को महंगा कर देगा, जो कि हमारे बाबा जी भी कर चुके हैं। एंड ऐसे करते करते उसके पास इतने सारे पैसे आ जाएंगे कि वो गरीब इंसान अब हमारे साथ हमारे 4 पुश्तों को भी खरीद सकता है। तो इमोशनली कुछ भी करने से पहले ना मेंटोस खा लिया करो, क्योंकि मेंटोस दिमाग की बत्ती जला देता है। मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। तो खैर यार आज के लिए बस, क्योंकि अभी मुझे रानू दीदी की दांतों के बीच में से चूहे भगाने जाना है। एंड वीडियो देखकर अगर तुम्हें रत्ती भर भी मजा आया हो ना, तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। इंतजार किया बज गजा शुरू किया इनके लाभ इनके खिलाफ, अब तो बहंगा हूँ गेंदे का हार, झाड़ू को छोड़ क्यों करे हम साफ। पर्दा उठा देख मेरी आँख, जलन से नहीं जलती ये आग, मुट्ठी बंद रख सर में ठंड रख, अब दिखाऊं जन्नत का रंग। ओके यहाँ पे ये वीडियो खत्म। एंड यार बैड विलेजर की पता है क्या एक खास बात है, ये उन चीज़ों पर भी इतना मस्त रोस्ट और लॉजिकल रोस्ट बनाते हैं जिन चीज़ों को लोग अक्सर बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली ले लेते हैं, ठीक है कि हाँ नहीं ये अगर इंसान है जो दिख रहा है हमें, ठीक है ये अगर हमें हमारी नज़रों में स्टार है तो उसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती है ना। लाइक इन्होंने बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ का रोस्ट बनाया है जिन्हें वाकई और उनके लॉजिकल पॉइंट्स के साथ, ठीक है लाइक अक्षय कुमार का बनाया है, दीपिका पादुकोण का बनाया है, और भी कई सारे आमिर खान, ठीक है तो ऐसे ऐसे दिग्गज लोगों का रोस्ट इन्होंने बना रखा है जो, और इतने अच्छे और सटीक पॉइंट्स के साथ कि भैया किसी का मुंह ना खुले उसके सामने कि हाँ नहीं तू गलत बोल रहा है या ऐसा बोल रहा है या वैसा बोल रहा है। ठीक है अभी यहाँ पे बात करते हैं बाबा का ढाबा के ऊपर। ठीक है भाई बाबा जी के पास पहली बात तो यार देखो ये इंडिया में ना ढाबे वाले जितने भी हैं भाई मुझे नहीं लगता यार उन वो इतने ज़्यादा गरीब हैं, इतने ज़्यादा गरीब हैं कि उन्हें दो वक्त का खाना ना मिलता हो। ठीक है खासकर जब इंडिया जैसी जगह पर जहाँ लोग ढाबा पर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय रेस्टोरेंट के। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार जिन्हें ढाबों पर खाना या फिर स्ट्रीट फूड्स खाना ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है और रेस्टोरेंट में यार वो जो मतलब जो फुलके पानी बताशे या ऐसी कोई चीज़ें रेस्टोरेंट में खाने में मज़ा उतना नहीं आता है जितना कि ढाबे पर खाने में आता है। ठीक है तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो ढाबे पर खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और दूसरी बात भैया बाबा जी का एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ है यार, एटीट्यूड तो ऐसे चेंज किया है जैसे मतलब एक वो था कपड़ा एक साइड दिखाया दूसरी साइड दिखाया और उसे चेंज कर मतलब ट्विस्ट कर दिया बिल्कुल, ऐसा उनका एटीट्यूड कसम से बहुत ही भयंकर तरीके से बदला है, जैसा कि रानू मंडल का भी बदल गया था। ठीक थोड़ा सा फेम मिला नहीं, लोगों ने वायरल किया नहीं कि गरीब औरत है फेमस हो गई, ठीक है वायरल कर दो इसे, इसकी मदद करो, डोनेशन दो और ऐसा करो वैसा करो। तो यार देखो सिंपल सा बात यह है यहाँ पे कि किसी भी चीज़ को वायरल करने से पहले एक बार लॉजिक देख लिया करो, उसका मतलब लॉजिक समझ लिया करो कि हाँ ये अगर इंटरनेट पे चल रहा है ये क्यों चल रहा है ना। अगर ये बंदा कैमरे के सामने ऐसे रो रहा है या कुछ कर रहा है
तो ऐसा क्यों हो रहा है? और दूसरी बात, उनकी खुद की बेटी ने ये चीज़ क्लेरिफाई कर दी कि हाँ, ये 24 घंटा भैया दारू पीता है बुड्ढा, ठीक है, और खैनी वैनी खाकर उसके बाद हाथ वात नहीं धोता है, ठीक। और उसकी बीवी बगल में साइलेंट खड़ी है, कम्प्लीटली साइलेंट खड़ी है भैया, उसके मुँह से एक शब्द नहीं निकला कि हाँ हमें ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, जो भी है। बाबा जी ही रोए जा रहे हैं, ठीक है, पैसा भी पूरा उन्हें मिल गया। और एक चीज़ होती है, जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो अगर एक्सेस से ज़्यादा, मतलब अगर एकदम से पैसे उसमें आने लगे, तो बैंक पहले वो क्लैरिफाई करता है कि हाँ वाकई में ये पैसा वाइट मनी है या ब्लैक मनी है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं गलती से तो नहीं आ रहा है, या कुछ भी ऐसा होता है, तो बैंक पहले इंक्वायरी करता है, तब आगे बढ़ता है ना, तब वो आगे के प्रोसीजर प्रोसीड करता है। तो यार इस वजह से बैंक ने जब फ्रीज कर दिया उनका अकाउंट, तो बाबा जी के भड़क गए कि यार मेरे पास तो लक्ष्मी आ रही थी और मतलब इन्होंने रोक दिया, ये इसी लड़के ने खा लिया, इसी लड़के ने खा लिया। भाई सीधे जाके जिस बंदे ने उनकी इतनी मदद की थी उसी बंदे पर जाके सीधे केस ठोक दिया, ना उससे पूछना ज़रूरी समझा, ना उससे क्लैरिफाई करना ज़रूरी समझा, कुछ नहीं, सीधे जाके उस पर केस ठोक दिया। और एटीट्यूड और दिखा रहे हैं कि हमने देखो केस जाके कर दिया है, देखो यार, ठीक है, और तुम्हें जो भी पता करना है वहाँ जाके पता करो, हमसे कुछ ना पूछो, है ना। तो ये ऐसा एटीट्यूड है, यही चीज़, सेम चीज़ इंडियन ऑडियंस ने उसके साथ, वो कौन थी वो, अरे वो जोमेटो वाली, ठीक है, उसके साथ भी यही चीज़ की थी, उसका तो नाम भी याद नहीं मुझे, पता नहीं, भूल गई हूँ। और कामराज और वो जोमेटो वाले भैया जो थे, वो कामराज उनका नाम था, और वो लड़की का नाम पता नहीं क्या था, हितैषा याद आ गया, हितैषा के केस में भी ऐसा ही किया था उन्होंने, जस्ट सीधे भैया वायरल कर दिया इंडियन ऑडियंस ने सब कुछ, जबकि उन्हें साफ साफ दिख रहा है भैया इसकी नाक पे चोट लगी है, ये पट्टी ना करा कर पहले वीडियो बना रही है, ठीक। प्रियदर्शनी वाले मामले में चलो मतलब अकल थी थोड़ी सी ऑडियंस में, क्योंकि भाई दूध का जला हर बार मतलब छाछ अब भी फूक फूक के पीता है ना, तो उस टाइम पे लोगों ने देखा कि हाँ यार ये तो गलत हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे किसी भी तरह से प्रियदर्शनी का कोई साथ नहीं दिया गया, और ये चीज़ सही थी, बिल्कुल सही थी, ठीक है। और इसीलिए यार पता है क्या, मैं भी ऐसी वीडियोस शेयर करने से पहले देख लेती हूँ कि भैया जेन्युइन है या नहीं है, या कोई एवं ही हमारा चूतिया काट के जा रहा है। तो आई होप यार आप लोग को रिएक्शन पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।